आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेदांता के शेयर के बारे में। तो दोस्तों देखिए 121.85 की क्लोजिंग दी है शेयर ने, 3.95 रुपीज़ बढ़ा है शेयर, 3.35% शेयर में आपको आज ऊपर देखने को मिला है शेयर। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी बात करेंगे वेदांता के बारे में कि यहाँ से क्या और तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्या डीलिस्टिंग प्राइसेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों देखिए वेदांता की बात करें तो पिछले 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है, भले 20 रुपये शेयर गिर चुका है। देखिए 140 से 120 तक शेयर आ चुका था, लेकिन देखिए आज अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा था शेयर। अगर आज देखेंगे इसके चार्ट पे तो आप देखेंगे कि आपने ऊपर स्तर से थोड़ा सा नीचे गिर गया आते आते, क्योंकि देखिए शेयर काफ़ी अच्छा बढ़ रहा था, 128 तक गया, फिर देखिए 129 तक गया, फिर वहाँ पे देखिए गिरावट आपको देखने को मिल गई और 121 पे आ चुका है शेयर। बट दोस्तों अच्छी बात ये है कि देखिए आज अच्छा खासा बंद हुआ है शेयर, आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। देखिए डीलिस्टिंग प्राइस के कारण थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिला था हमें पिछले 2 दिन में शेयर में, इतना जो गिरा था 10% का लोअर सर्किट लगा था शेयर के अंदर। बट अदरवाइज मुझे लगता है यहाँ पे शेयर अच्छा खासा मूवमेंट और दिखा सकता है। अब देखिए दोस्तों देखना है कि यहाँ पे डीलिस्टिंग कितने पे होती है, डीलिस्टिंग प्राइस कितने पे आती है। अदरवाइज दोस्तों आप शेयर में मुझे लगता है डीलिस्टिंग में लगा सकते हैं, और देखिए यहाँ पे होगा अच्छा खासा डीलिस्टिंग में, मुझे लगता है यहाँ पे शेयर में हो सकता है। और अगर शेयर की बात करें पिछले 5 दिन की, तो पिछले 5 दिन में आप देखेंगे शेयर में करीबन 11% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, 121 पे आ चुका है दोस्तों शेयर। अब देखिए यहाँ से देखना है कि देखिए शेयर कितना जाता है, अब मंडे को देखना रहेगा कि यहाँ पे शेयर में आपको क्या एक्शन देखने को मिलता है। अब आज दोस्तों बिड बंद होनी थी वेदांता के ऊपर, बट देखिए वो बंद नहीं हुई है। आपको मैं इसके ऊपर न्यूज़ दिखाता हूँ, देखिए क्या न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए वेदांता की डीलिस्टिंग पे आज मनी कंट्रोल ने न्यूज़ निकाली थी। देखिए यहाँ पे लिख रखा है वेदांता डीलिस्टिंग ऑफर्स गैंडर्स हेल्दी रिस्पांस। देखिए अच्छा रिस्पांस मिला है, एट व्हाट प्राइस शुड यू टेंडर शेयर्स। तो देखिए द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर पब्लिक शेयर होल्डर्स टू टेंडर देयर शेयर स्टार्टेड ऑन October 5 एंड विल इंक्लूड ऑन October 9। तो देखिए जो आखिरी दिन था आज, तो यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए द October 9 इज़ द फाइनल डे ऑफ द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन विच पब्लिक शेयर होल्डर्स कैन टेंडर द शेयर्स ऑफ वेदांता इज द कंपनी रेडीज टू गेट डी लिस्टेड फ्रॉम इंडियन बोर्सेज। द शेयर टेंडरिंग प्रोसेस वॉज टैपिड टिल October 8, बट इट गेन्ड मोमेंटम ऑन द फाइनल डे। द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर पब्लिक शेयर होल्डर्स टू टेंडर देयर शेयर स्टार्टेड ऑन October 5 एंड विल इंक्लूड ऑन October 9। तो दोस्तों जो तारीख थी वो आखिरी आज थी, और यहाँ पे देखिए जो आप कह सकते हैं आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है इसकी डी लिस्टिंग में, और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था आखिरी डे में यानी आज में। और जो दोस्तों जो इनकी कंडीशन ये थी कि 90% जो होता है आप कह सकते हैं बिड वो सबमिट होना ज़रूरी थी प्रमोटर से, जो हो चुका है। और देखिए एज़ पर BSE डेटा टोटल ऑफ 169,73,90,047 शेयर्स हेल्ड बाय पब्लिक शेयर होल्डर्स आर देयर फॉर टेंडरिंग, आउट ऑफ विच 134 करोड़ शेयर्स शुड बी टेंडर्ड फॉर डी लिस्टिंग प्रोसेस टू टेक प्लेस। यानी 134 करोड़ शेयर्स डी लिस्ट होना ज़रूरी थे और यही हुआ है, और हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पांस मिला है, और यहाँ पे मुझे लगता है आपको अच्छा खासा यहाँ पे इसके अंदर फ़ायदा हो सकता है। बट यहाँ पे देखिए अब तो टाइम निकल चुका है, अब देखना है कि कितने पे डी लिस्ट होता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा देखिए अच्छा रहेगा। जो फ्लोर प्राइस थी वो 87.25 थी वेदांता की, और जो क्लोज हुई है वो 117 पे हुई है, जो डाउन था 4.85% October 8 को। बट मुझे लगता है देखिए जो अब शेयर हो आज अच्छा खासा उठा है, तो ये मुझे लगता है तेज़ी आपको देखने को अब मिल सकती है वेदांता के अंदर, और यहाँ पे डी लिस्ट पे देखना होगा कि कैसा रहेगा। अब दोस्तों इसके टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। देखिए टेक्निकल्स पे देखें तो देखिए लास्ट मिनट पे क्या हुआ है, लास्ट मिनट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, 16 सेल 3 बाय ऑसिलेटर्स वाली बाय दे रहे हैं, लेकिन मूविंग एवरेजेस ने दोस्तों स्ट्रॉन्ग सेल रुख अपनाया है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे जो 134, 126 ये सब होंगे, 150 पे शेयर जाएगा, तो यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो में इतना, तक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।